नमस्कार द एंगल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ का बड़ा ऐलान, 70% स्थानियों को रोजगार देने वाली कंपनियों को ही मिलेगी छूट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र में करेंगे 41,000 करोड़ रुपए की परियोजना का शुभारंभ, शिवसेना करेगी कार्यक्रम का बहिष्कार। ऑस्ट्रेलिया ने भारत से किया हिसाब बराबर, दूसरे टेस्ट में टीम इंडिया को 146 रनों से हराया। आरएएस मुख्य परीक्षा 2018 होगी अब 28 और 29 जनवरी को, उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश के बाद हुआ निर्णय। मध्य प्रदेश की कमान संभालने के पहले ही दिन सीएम कमलनाथ की ओर से किसानों की कर्ज माफी का आदेश जारी कर दिया गया है। शपथ लेने के कुछ घंटों के बाद ही कमलनाथ ने सूबे के उद्योगों में 70% रोजगार प्रदेश के युवाओं को देने के नियम पर हस्ताक्षर कर दिए। इसके मुताबिक राज्य के उन उद्योगों को ही इंसेंटिव यानी छूट दी जाएगी जिनमें 70% रोजगार स्थानीय लोगों को दिया जाएगा। सीएम के तौर पर पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कमलनाथ ने कहा कि निवेश के लिए छूट दिए जाने की हमारी नीति उन्हीं उद्योगों के लिए होगी जहां 70% रोजगार मध्य प्रदेश के युवाओं को दिया जाएगा। कमलनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों के लोग यहां आते हैं लेकिन स्थानीय लोगों को जॉब नहीं मिल पाती। सीएम की शपथ लेने के बाद कमलनाथ ने राहुल गांधी की ओर से किए गए किसानों की कर्ज माफी के साथ ही रोजगार में आरक्षण के नियम की फाइल पर भी साइन कर दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। यहां वे करीब 41,000 करोड़ रुपए की आवासीय और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। इस बीच शिवसेना ने ऐलान किया है कि वह प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का बहिष्कार करेगा। राज्य में सत्तारूढ़ बीजेपी और शिवसेना के बीच राजनीतिक रस्साकसी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। राज्य की सत्ता में भागीदार शिवसेना का कहना है कि उसकी पार्टी के मंत्री और विधायक प्रधानमंत्री मोदी के कल्याण और पुणे में होने वाले कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र में चक्रवात पैथाई से भारी बारिश के कारण पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए जबकि एक व्यक्ति की मौत हो गई है। तूफान के कारण ट्रेन और विमान सेवाएं भी प्रभावित हो गई। चक्रवात से राज्य में सबसे ज्यादा पूर्वी गोदावरी जिला प्रभावित हुआ। तूफान की वजह से 20,000 लोगों को राहत शिविरों में जाना पड़ा। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सूत्रों के मुताबिक विजयवाड़ा शहर में भारी बारिश के बाद भूस्खलन से एक व्यक्ति की मौत हो गई। कश्मीर घाटी और लद्दाख क्षेत्र में मंगलवार को भी कड़ाके की शीतलहर जारी है। तापमान हिमांक बिंदु से भी नीचे गिर गया है। मौसम विभाग ने कहा कि रात के तापमान में और गिरावट के साथ एक सप्ताह और ऐसा ही मौसम बने रहने की संभावना है। कारगिल में मंगलवार को न्यूनतम तापमान 0 से 15.8 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया जबकि लेह में 0 से 15.1 डिग्री नीचे रहा। लगातार दूसरे दिन पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा हुआ है। पेट्रोल की कीमत 10 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत 8 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में पेट्रोल 10 पैसे बढ़कर 70.63 रुपए हो गया है। दिल्ली में डीजल 8 पैसे बढ़कर 64.55 रुपए प्रति लीटर हो गया। गौरतलब है कि अक्टूबर 2017 से अब तक पेट्रोल और डीजल की कीमत में वैश्विक स्तर पर करीब 30% की गिरावट दर्ज की गई है। ऑस्कर 2018 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म श्रेणी में भारत की ओर से चुनी गई विलेज रॉकस्टार अब इस दौर से बाहर हो गई है। एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट एंड साइंसेस ने कहा कि 91वें अकेडमी अवार्ड्स में विदेशी भाषा फिल्म श्रेणी में अगले दौर की वोटिंग के लिए 9 फिल्मों का चुनाव हुआ है। असमिया फिल्म में विलेज रॉकस्टार असम की 6 गांव की पृष्ठभूमि पर है। यह गरीब बच्चों की कहानी है जो अपनी जिंदगी मजे से जी रहे हैं। ऑस्कर्स में विदेशी भाषा फिल्म श्रेणी में शीर्ष 5 तक अब तक भारत की सिर्फ 3 ही फिल्में पहुंच पाई हैं जिसमें मदर इंडिया, सलाम बॉम्बे और लगान वंस अपॉन ए टाइम इन इंडिया है। 5वें दिन ऑस्ट्रेलिया ने महज 70 मिनट में टीम इंडिया की पारी को समेटकर टेस्ट सीरीज में भारत से हिसाब बराबर कर लिया है। ऑस्ट्रेलिया ने पर्थ में खेले टेस्ट सीरीज के दूसरे मैच में भारत को 146 रनों से हरा दिया है। भारत के सामने चौथी पारी में 287 रनों की जरूरत थी लेकिन मंगलवार को पहले सेशन में पूरी टीम 140 रनों से आउट हो गई। इसके साथ ही 4 टेस्ट मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर हो गई है। अब सीरीज का तीसरा मैच 26 दिसंबर से मेलबर्न में खेला जाएगा। नाथन लियोन का शानदार प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया।
आरएएस मुख्य परीक्षा 2018 अब अगले साल 28 व 29 जनवरी को होगी। पहले ये परीक्षा 23 व 24 दिसंबर को होने वाली थी। मेंस की तैयारी के लिए कम समय मिलने की बात कहकर प्रदेश भर में अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे थे। करीब 28 विधायकों ने भी अभ्यर्थियों को समर्थन में मुख्य सचिव और आयोग अध्यक्ष को पत्र भेजे थे। इसके बाद आयोग अध्यक्ष दीपक उप्रेती ने उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश के बाद यह निर्णय किया। आरएएस प्रारंभिक परीक्षा 2018 का मूल परिणाम 23 अक्टूबर को घोषित हुआ था। इसमें 15,615 अभ्यर्थी सफल हुए। कोर्ट के आदेश के बाद 13 दिसंबर को ओबीसी व एमबीसी वर्ग के 7,145 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए और सफल घोषित किए। अब कुल 22,760 अभ्यर्थी मेंस में शामिल होंगे। यह परीक्षा आरएएस के 1,017 पदों के लिए आयोजित की जा रही है। इसमें नॉन टीएसपी क्षेत्र के 980 पद और 37 पद टीएसपी क्षेत्र के हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी में 10 पदों पर होने वाली सहायक कुल सचिव भर्ती की साक्षात्कार प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने तकनीकी कारणों का हवाला देकर साक्षात्कार प्रक्रिया को स्थगित किया है। सहायक कुल सचिव के 10 पदों के लिए 19 से 22 दिसंबर तक साक्षात्कार लिए जाने थे। प्रक्रिया के पास हुए 86 उम्मीदवारों की लिस्ट भी वेबसाइट पर डाल दी गई थी, लेकिन यूनिवर्सिटी ने अचानक तकनीकी कारणों का हवाला देकर साक्षात्कार प्रक्रिया को स्थगित कर दिया। अब आगे इसकी तिथि वापस जारी की जाएगी। दरअसल सरकार बदलने के बाद भर्ती प्रक्रिया में प्रतिनिधि की नियुक्ति को लेकर प्रयास चल रहे हैं। इसी को लेकर यूनिवर्सिटी के कुछ शिक्षकों ने भी शिकायत की थी और विरोध जताया था, जिसके बाद कुल सचिव ने साक्षात्कार प्रक्रिया को रोकने के आदेश जारी किए। विधायक चुने जाने के बाद भी अशोक लाहोटी का मेयर पद के प्रति मोह उन्हें भारी पड़ सकता है। लाहोटी ने अगर 25 दिसंबर तक इस्तीफा नहीं दिया तो उनके दोनों पदों पर खतरा हो सकता है। इस समय अवधि तक एक पद से इस्तीफा नहीं दिए जाने पर उन्हें विधायकी से तो हाथ धोना ही पड़ेगा, मेयर के पद पर भी खतरा मंडरा सकता है। लाहोटी को आगामी 25 दिसंबर से पहले पहले यह तय करना है कि उन्हें विधायक रहना है या मेयर। अशोक लाहोटी मेयर रहते हुए 11 दिसंबर को सांगानेर विधानसभा क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हुए हैं। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की धारा 42 के तहत विधायक बनने पर उन्हें एक पद छोड़ना है। मेयर के चुनाव को लेकर बीजेपी संगठन मंथन कर रहा है। बुधवार को बीजेपी संगठन ने शहर की 4 सीटों से जीते हुए विधायकों के साथ बैठक भी बुलाई है। बैठक में नए मेयर का नाम तय करने की संभावना है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब भारत निर्वाचन आयोग ने अब आम लोकसभा चुनाव 2019 की तैयारियां शुरू कर दी हैं। आयोग के निर्देशानुसार राज्य निर्वाचन विभाग ने आगामी 26 दिसंबर से मतदाता सूचियों का संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इसमें पात्र मतदाता अपने नाम मतदाता सूचियों में जुड़वा सकेंगे। अभियान के दौरान मतदाता सूचियों में संशोधन, नाम ट्रांसफर करने एवं नाम हटवाने के आवेदन भी किए जा सकेंगे। राज्य निर्वाचन विभाग के अनुसार 26 दिसंबर को एकीकृत मतदाता सूचियों के प्रारूप का प्रकाशन किया जाएगा। मतदाताओं से दावे एवं आपत्तियां प्राप्त करने के लिए 25 जनवरी तक का समय निर्धारित किया गया है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए द एंगल। नमस्कार।